बिहार की राजधानी पटना में 356वां प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया हुआ तख्त साहिब व बाल लीला गुरुद्वारा आप देख रहे हैं। तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब में प्रकाश उत्सव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। यहां देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने नगर कीर्तन में भाग लिया। कोरोना की वजह से 2 साल बाद इस बार बड़े पैमाने पर गुरु गोविंद महाराज का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। तुम हो स्वराजन के राजा बादशाह दरवेज गुरु गोविंद सिंह, तही प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर बिखे भवलियो, पंथ चले तब जगत में जब तुम करहो सहाय, सरीखे शब्द कीर्तन से पटना शहर गुंजयमान हो उठी। मौका था खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह महाराज के 356वें प्रकाशोत्सव पर निकाले गए नगर कीर्तन का। गाय घाट स्थित बड़ी संगत गुरुद्वारा के पंच प्यारे की अगुवाई में निकली नगर कीर्तन में स्कूली बच्चे ने यहां मार्च पास्ट किया। वहीं पंजाब से आए गतका दलों ने अपने कर्तव्य दिखाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर लिया। आकर्षक बैंड बाजों से सजे नगर कीर्तन में महिलाओं, युवाओं और बच्चों की टोली शबद कीर्तन करते हुए चली रही थी। वहीं एक पुष्प पंखुड़ियों से सजे रथ पर नगर कीर्तन के बीच गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी चल रही थी। गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी के आगे श्रद्धालु सड़कों पर झाड़ू लगाते, पानी छिड़क कर उनकी सफाई करते और पुष्प वर्षा करते हुए चल रहे थे। नगर कीर्तन शुरू होने से पहले बड़ी संख्या में यहां श्रद्धालु जुट रहे थे। अभी आप देख रहे हैं कि रात का किस प्रकार का दृश्य यहां पे देखने को मिल रहा है। चारों तरफ जगमग जगमग रोशनी में पूरा गुरुद्वारा यह नहाया हुआ है। इस प्रकार की चकाचौंध आप शायद ही कहीं देखे होंगे। इतना भव्य, इतना सुंदर और इतने धार्मिक वातावरण में आप इसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। जो लोग गुरुद्वारे गए हैं वो मंत्रमुग्ध हो गए हैं। यह देखकर जितने भी विदेश से आए हुए लोग हैं सभी प्रसन्न और आंदोलित महसूस कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह पटना साहिब का गुरुद्वारा आपको एक अद्भुत अनुभव दिया होगा। हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा। धन्यवाद।